हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लोर पजल्स। तो यहां से अभी हम लोग थर्ड जो पार्ट है इसमें अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये बताने के पहले मैं आपको ये बता दे दूं कि पहले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि हाउ टू राइट कंडीशन, कैसे बेसिक्स को लिखना चाहिए। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने प्री के कुछ क्वेश्चन देखे थे कि किस तरीके से वो बेस्ट तरीके से सॉल्व हो सकते कम से कम समय के अंदर। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले मेंस के कुछ क्वेश्चन या फिर दो तीन पैरामीटर के क्वेश्चन जो कि हमें थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, वो कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन, सो दैट हम लोग समझ पाए कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या हमने स्ट्रेटेजी लगानी है। स्टार्ट कर। तो अभी हम लोग देखने वाले एक ऐसा क्वेश्चन जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम में आया था 2016 में। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 11 PQRS are sitting on 7 different steps. तो ये जो लोग हैं ये अलग अलग स्टेप पे बैठे, सॉरी 8 different स्टेप पे बैठे हुए हैं और कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे एक खास बात है कि हर एक इंसान का एक अलग अलग एक्सपीरियंस है, ऐसा उनका कहना है कि हर एक इंसान को उन्होंने एक्सपीरियंस दिया हुआ है यहाँ से लेकर, मतलब 10 से लेकर 25 तक का यहाँ पे नंबर इस्तेमाल हुए हैं। अब एक बात आपको याद में रखनी पड़ेगी, जब भी ऐसी कोई एग्जाम है जो कि मेंस लेवल से बिलोंग करती है और वहां पे नंबर्स भी दिए हुए, तो जो नंबर्स जो होते हैं नंबर्स का अरेंजमेंट करना मतलब ऑल्टरनेट सीक्वेंस होता है सिंपली, ठीक है, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा, वो किसी न किसी से कम होगा, किसी न किसी से ज्यादा। और फ्लोर का अरेंजमेंट करना ये एक अलग चीज है। तो यहाँ पे जो लोग अलग अलग स्टेप पे बैठे ये फ्लोर का अरेंजमेंट हो गया और जो नंबर उन्होंने दिए है वो ऑर्डर सिक्वेंस हो गया। तो ये दोनों अलग अलग टाइप को फ्यूजन करके ये पजल उन्होंने यहाँ पे रखा है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ऐसे किसी भी पजल में आपको सबसे पहले नंबर एक साइड में लिख देने, जितने भी नंबर इन्होंने इस्तेमाल किए, जैसे यहाँ पे 8 एक्सपीरियंसेस है तो मैं 8 नंबर यहाँ पे लिख दूंगा। लेकिन लिखते हो क्या में रखना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं टॉप से स्टार्ट करता हूँ और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। सबसे पहले मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज 25, देन 24, देन 23 है, 20, उसके बाद 18 है, 15 है, 13 है एंड 10। ये मैंने 8 एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आपके लिए लिख दिए। ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं यहाँ पे मैं ऑर्डर सीक्वेंस की कंडीशन डालूंगा, तो इसके लिए मैं लाइन यहाँ पे खींच देता हूं। ये लाइन की इधर ऑर्डर एंड सीक्वेंस रहेगा और यहाँ पे मैं सॉल्व करने वाला हूं फ्लोर। तो ऑर्डर सीक्वेंस के जो पजल के जो तरीके की कंडीशन रहेंगे वो मैं इस लाइन में इधर लिखूंगा और जो फ्लोर के काम की कंडीशन रहेंगे वो मैं इस लाइन के इधर लिखने वाला हूं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आर इज द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड सिटिंग ऑन इवन नंबर स्टेप बट नॉट ऑन स्टेप नंबर 2। तो आर जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे आर आना चाहिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आर यहाँ पे आएगा। और वो उस स्टेप पे बैठा हुआ है जो इवन नंबर स्टेप है। अब इवन नंबर स्टेप मतलब 2, 4, 6, 8, लेकिन सेकंड पे नहीं बैठा है, मतलब वो 4 पे भी बैठ सकता है आर, 6 पे भी बैठ सकता है आर और 8 पे भी आर बैठ सकता है। तो ये तीन में से कोई तो भी एक रियलिटी होगी। आई डोंट नो विच वन इज राइट, तीन पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आर इज द मोस्ट एक्सपीरियंस, मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे। और जो फ्लोर अरेंजमेंट है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। देन द विनर हैज लीस्ट एक्सपीरियंस दैट ओनली आर, मतलब जिसका एक्सपीरियंस सिर्फ अकेले आर से कम है, देन ओनली आर बोला गया है, मतलब सिर्फ अकेले आर से कम, सिर्फ अकेले आर से कम मतलब बाकी लोगों से ज्यादा, बाकी सभी लोगों से ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ आर से कम होना चाहिए। मतलब ये जो इंसान है इसलिए ऑन लोअर मोस्ट स्टेप, ये जो है लोअर मोस्ट स्टेप पे बैठा हुआ है। अब एक्सपीरियंस डालने के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी अरेंजमेंट नहीं लिया, मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस डालूंगा। तो जो 24 है वो यहाँ पे लोअर मोस्ट स्टेप पे आ गया। कैसे आया मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, जिसका एक्सपीरियंस सिर्फ अकेले आर से कम है, बाकी सबसे ज्यादा है, दैट इज 24, वो लोअर मोस्ट स्टेप पे आ जाएगा। ये कंफर्मेशन हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे चलते हैं हम लोग। पी सिटिंग इमीडिएटली बिलो आर, तो आर के इमीडिएटली नीचे पी बैठा है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आर, तो ये पी आर है, तो ये पी आर है, तो ये तो आई हैव रिटन, तो ये भी हो गया। देन आगे चलते हैं, एल इज द लीस्ट एक्सपीरियंस, सबसे कम एक्सपीरियंस है एल का, ये यहाँ पे आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एल इज सिटिंग
और स्टेप विच इज इमीडिएटली बिलो एन, एल जो है उस स्टेप पे बैठा है जो एन के इमीडिएटली नीचे है, एल जो है उस स्टेप पे बैठा है जो एन के इमीडिएटली नीचे है, तो ये इधर का पार्ट नहीं होगा, इधर का पार्ट हो गया, यहाँ पे कहाँ लिखना है मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं बाहर लिख देता हूँ, बाहर मतलब एल जो है एन के नीचे बैठा है, एन के नीचे एल बैठा है, इमीडिएटली बैठा है, ओके इमीडिएटली ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके देन यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ, एल इज सिटिंग ऑन द सेम सॉरी द 3% बिटवीन एल एंड एस, एल और एस के बीच में 3%, तो ये मैं एल लिख देता हूँ, तीन लोग हो गए और ये हो गए एस, लेकिन इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी होती है एस तीन लोग एल, देन 3% वो हो गया, देन एस हैज 20 इयर्स एक्सपीरियंस, एस का 20 इयर्स एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे एस आ जाएगा, देन क्यू हैज एक्सपीरियंस मोर देन ओनली एल, क्यू हैज एक्सपीरियंस मोर देन ओनली एल, मोर एक्सपीरियंस देन ओनली एल, एल सिर्फ अकेले एल से ज्यादा, बाकी लोगों से कम होना चाहिए, तो एल से ज्यादा बाकी लोगों से कम, मतलब यहाँ पे क्यू आना चाहिए, देन आगे बढ़ते हैं, ओ इज सिटिंग ऑन अ स्टेप इमीडिएटली बिलो, पर क्यू इज सिटिंग ऑन स्टेप इमीडिएटली बिलो, क्यू का एक्सपीरियंस जो है ओ से कम है, क्यू जो है ओ के नीचे बैठा है इमीडिएटली, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, देन रोनो एस एक्सपीरियंस 23 इज सिटिंग अबव एस, एस के ऊपर 23 है तो एस के ऊपर 23 इमीडिएटली ये भी आ जाएगा, और एन हैज मोर एक्सपीरियंस देन ओ, लास्ट कंडीशन एन का एक्सपीरियंस ओ से ज्यादा है, एन का एक्सपीरियंस ओ से ज्यादा है, ये मैं यहां पे लिखूंगा एन का एक्सपीरियंस ओ से ज्यादा है, ये देखिए एन का एक्सपीरियंस ओ से ज्यादा है, मुझे नहीं पता यहां पे एन और ओ कहीं पर है, ओके मैंने लिख दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से कंडीशन आपके सामने रख दी, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुआ है पजल, ये पजल सॉल्व कैसे होगा, क्यों कहां रखूंगा मैं एल नहीं पता, एस नहीं पता, एन नहीं पता, क्यू नहीं पता, ओ नहीं पता, इधर 23 नहीं पता, यहां पे 40 लोग एक्सपीरियंस मिले बस कैसे करेंगे, तो हमें एक लिंक दिखाई देती है कि हाँ क्या करना चाहिए, आर की है ना, तो फिर क्या करें, तीन पॉसिबिलिटी है, बनाए तीन डायग्राम अलग अलग, तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी बनाए और फिर उसको सॉल्व करें, ऐसा किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन अगर आप एग्जाम में अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग सिचुएशन हो जाएगी, ऐसे वक्त हमें क्या करना है, दूसरी मेथड यूज करना है, दूसरी मेथड मतलब ऐसे मत बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि हम लोग यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाहर बनाएंगे इस क्वेश्चन, कैसे बना सकते हैं हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज फाइव स्टार कंडीशन, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, फाइव स्टार कंडीशन ये, लेकिन ये कंडीशन मुझे क्या हेल्प कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है जब तक हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका देखिए ये गलत तरीका है, इसको ऐसा नहीं लिखना चाहिए, अगर इसको सही तरीके से अगर आपको लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखिए, एल तीन और फिर एस, इस साइड में एक्सपीरियंस है और हमने एक्सपीरियंस तो लिखा ही नहीं है, इसका एक्सपीरियंस 20 है, एल का एक्सपीरियंस 10 है, ऐसे लिखना चाहिए इसको, इसकी दूसरी साइड एस ऊपर जाएगा, एस 20 तीन लोग और फिर यहाँ पे एल आना चाहिए और फिर यहाँ पे 10, देखिए ये आपको जो है डेफिनेटली फायदा देगा, ये ऐसे नहीं लिखना है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चलने वाला है, इसको ऐसे नहीं लिखना है, सेम ये भी ऐसे नहीं लिखना है, इसके साथ इसका एक्सपीरियंस जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट पजल है, तो एन और एल अकेले नहीं रहेंगे, उसको आप उसका एक्सपीरियंस डालिए उसमें, एल का एक्सपीरियंस 10 है, एन का एक्सपीरियंस, अगर आप अपना एक्सपीरियंस ही नहीं डालेंगे एग्जाम में तो आपसे एग्जाम कैसे क्रैक हो सकती, कोई भी एक्सपीरियंस डालना बहुत जरूरी है, ओ क्यू ये भी ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको जो भी है ओ या क्यू, क्यू क्यू है हमारे पास तो वो 13 ये लिखना पड़ेगा हमें, एस 23 ये लिखने का तरीका नहीं हुआ, इसको ऐसा लिखना चाहिए एस के ऊपर 23, तो यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं एस के ऊपर 23, यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं एस के ऊपर 23, और देखिए ये कितना बना है, वो कितना बना है, आपको डिफरेंस जरूर दिखाई देगा, यहाँ देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको अब आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे एल के ऊपर है, देखिए हो गए ज्वाइन, ये यहाँ यहाँ पे भी कर सकते हैं एल के ऊपर है, देखिए आप ये कंडीशन मर्ज हो गई इसमें, ये कंडीशन इसमें मर्ज हो गई, ओके सॉरी ओ क्यू बाकी है, ओ क्यू अभी भी मर्ज होना बाकी, बाकी सारी कंडीशन हमने मर्ज कर दी, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 और ये, तो इस तरीके से हमारे 6 फ्लोर के यहाँ पे अरेंजमेंट बन चुके हैं, और अभी हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, कैसे लेके जाने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे ये मैंने बना दिया, ये भी मैंने यहाँ पे बना बना दिया। अगर आप इसको अगर अंदर लेके जाते हैं तो यहाँ पे नीचे देखिए 20 और यहाँ पे 10 है, तो डेफिनेटली ये 24 जो कि कंफर्म है यहाँ पे तो आ नहीं सकता है, तो इसको आप छोड़ दो। तो आपके पास कितने फ्लोर बचते हैं? 7, और 7 में से आपको 6 यहाँ पे रखने हैं, मतलब ये 24, ये 20 मैं यहाँ पे तो डेफिनेटली नहीं रख पाऊंगा, तो ये तो 24 है ना, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ से आपको ऊपर के लेने हैं। अगर आप यहाँ से अगर आप ऊपर के लेने वाले हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले तो OQ आपको कहीं तो भी यहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा। OQ कहाँ पे मर्ज हो सकता है आपको क्या लगता है? अब ये ऑलरेडी 6 हो चुके, कहाँ पे मर्ज हो सकता है? अगर मैं अगर बात करूं तो OQ के लिए बीच में ही मुझे नहीं तो भी जगह लग रही, लेकिन यहाँ पे 3 जगह है, यहाँ पे 2 जगह है, तो यहाँ पे तो सिंपल है, OQ यहाँ पे आ जाएगा और 13 भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 13 यहाँ पे नहीं आ सकता, तो 13 यहाँ पे आ जाएगा Q और यहाँ पे O। अब देखिए, अब मैंने ये भी कंडीशन इसके अंदर यूटिलाइज कर लिया, अब मैं इसको डायरेक्टली लेके जा सकता हूँ कि इसमें से कोई तो भी एक यहाँ पे या फिर यहाँ पे आएगा, तो कौन आ सकता है मैं आपको बता दूं बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे कहीं पे भी आरपी के लिए जगह नहीं बची है, यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं बची है, मतलब ये जो बीच वाले जो आरपी है वो ऐसे देखते हैं कैसे हो जाएगा, एक ऊपर वाला आरपी है देखते हैं वो कौन। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर मैं एस यहाँ पे रखता हूँ, ये खाली स्पेस, ये क्यू ओ एल और यहाँ पे एन, मतलब ये जो अगर हम लेंगे तो ये आरपी भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये जो है कंडीशन ऐसे कैंसिल हो गई। डायरेक्टली ये कंडीशन पूरा आप यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे 10 आ जाएगा जो कि L है, फिर उसके ऊपर N है, फिर Q है जो कि 13 है, फिर O है, फिर S है जो कि 20 है, एंड उसके ऊपर 23 है, और ये तो आपको पता ही है, ये P है और ये R है, तो ये दोनों कैंसिल होने के बाद ये कंफर्म हो गए। और इस तरीके से सिर्फ एक ही इंसान यहाँ पे बचा हुआ है, वो इंसान यहाँ पे आएगा और वो इंसान रहेगा एल एम, और यहां पर अभी इतना होने के बाद आर का एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट यहां से उठा लूंगा, 25 हो जाएगा, दो लोग बचे हुए इनका रिलेशन यहां पे मिल गया, एन का एक्सपेरिमेंट बड़ा है उससे, दो ही चीजें बची हुई है मेरे ख्याल से, एक 15 है और एक 18 है, यस, तो एन का एक्सपेरिमेंट ज्यादा है तो 18 यहां पे आएगा, 15 यहां पे आएगा। क्वेश्चन सॉल्व, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बड़ी खुशी मिली, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन कैसे सॉल्व हुआ ये शायद हम भूल गए, कैसे सॉल्व हुआ था क्वेश्चन? हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि क्वेश्चन हम लोग बिल्डिंग में बना पाए, 2-3 पॉसिबिलिटी बना ले, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगेगा, आपको एक फीलिंग आएगी कि नहीं अंदर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, तो फिर आप एक काम कीजिए, ऐसे वक्त कंडीशन जो है बाहर अगर वो मर्ज हो सकती है तो उसको मर्ज करके देखिए। और याद में रखिएगा, अगर मैं इसके साथ अगर उसका एक्सपीरियंस अगर मतलब नंबर को मतलब जो पैरामीटर है उसको मैं साथ लेके अगर नहीं लिखता और अकेले अकेले सिर्फ अगर लोग का अगर एक्सपीरियंस या फिर अलग से एक्सपीरियंस है और अलग से लोग अगर ऐसा आर्गुमेंट अगर मैं बनाने गया होता, ये क्वेश्चन डेफिनेटली 10-15 मिनट के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लोग यही करते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, याद में रखना है आपको, ये साथ में पैरामीटर लिखिए, साथ में मर्ज कीजिए, जितना हो सकता है जितना अंदर हो सकता है अंदर मर्ज कीजिए, बाहर हो सकता है बाहर मर्ज कीजिए। हमें डेफिनेटली नहीं पता होता है एग्जाम के अंदर किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो अंदर बनने वाला टाइप का क्वेश्चन है या बाहर ही बनने वाला टाइप का क्वेश्चन है या फिर दोनों का फ्यूजन है, मतलब आधा अंदर बनेगा आधा बाहर बनेगा, देन दोनों को फाइनली मर्ज करना है, हमें कुछ नहीं पता होता है, हमें बस जो भी कंडीशन आएंगे उसको फेस करना है। अगर बाहर बनता हुआ दिखता है आपको तो बाहर बनाइए, अंदर अगर आपको बनते हुए दिखता है तो अंदर बनाइए, ऐसा बिल्कुल भी अपने माइंड में कोई भी प्रिजुडिक्शन मत रखिए कि आपको क्वेश्चन को अंदर ही बनाना है, आपको क्वेश्चन बाहर ही बनाना है, जहां से आपको आसान लगता है जहां पे कंडीशन मिलते हुए जाती है वो आपको करते जाना है। लेकिन एक फाइनल चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा, साथ में पैरामीटर्स का लिखना बहुत जरूरी है, साथ में पैरामीटर्स लिखना है, बिल्कुल नहीं करना है कि बस एन और एल लिख दिया और एक्सपीरियंस लिखा, ये कभी नहीं करना, अगर आप ये करेंगे तो आप कभी भी पजल सीख नहीं पाएंगे, पजल को सीखने की समझने की जरूरत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन के थिंकिंग को रिप्रेजेंट करेगा। कई बार हमें दिक्कतें आती है, क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है समझ में नहीं आता, क्यों? क्योंकि शायद क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता है कि रहता बहुत आसान है लेकिन कहीं तो भी लटक जाता है, स्टार्ट नहीं कर पाते हम ऐसे क्वेश्चन, ये स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहे,
स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन स्टार्ट में, हम क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, खत्म कैसे हो। ऐसे वक्त हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब वो एक इंडिकेशन है आपके लिए कि कुछ और सोचना है आपको। ये हम आज इस क्वेश्चन में अभी देखने वाले हैं। ये अगला क्वेश्चन जो आपको बताएगा इसके बारे में, क्या दिया है क्वेश्चन में देखते हैं। एक पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये एक अलग अलग बिल्डिंग में रहते हैं जो कि अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, और इस फ्लोर के जो सभी लोग हैं दे आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम, दैट इज यूपीएससी सीए सीडीएस एसबीआई आरबीआई आईपीएस बीपीएस एंड एसएस, अलग अलग लोग अलग अलग कंडीशन में लिखने की कोशिश करूंगा। आपके सामने मैंने बिल्डिंग बना दी तो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो उन्होंने बताई है, देयर आर थ्री फ्लोर्स बिटवीन द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एंड बी, मतलब बी जिस फ्लोर पे रहता है और आरबीआई के बीच में तीन फ्लोर है। इस कंडीशन को कैसे लिखें, आरबीआई और बी, अब ये मैं यहां पे नहीं लिख सकता हूं तो डेफिनेटली मैं यहां लिखूंगा, तो ये आरबीआई हो गए, तीन फ्लोर हो गई है तीन लाइन, और यहां पे आएगा बी। लेकिन आई मस्ट नो के बी ऊपर भी जा सकता है और तीन लाइन एंड आरबीआई यहां पे भी आ सकता है, सो दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। ओके द नेक्स्ट कंडीशन अगर मैं पढ़ता हूं, there are two floors between, the one is preparing for SSC and H. Again, I don't have any source कि मैं यहाँ पे कहीं पे रख पाऊँ, मैं बाहर लिख लूँ। SSC दो फ्लोर, H या फिर H ऊपर भी हो सकता है, H दो फ्लोर, SSC. This is my second condition. The next condition, G lives on seventh floor. Yes, ये condition मैं definitely अंदर लिख सकता हूँ। G lives on seventh floor. तो G जो है, वो यहाँ पे जाएगा seventh floor पे. ओके okay, ये जो कंडीशन है ये मैंने यहां पे लिख दिया। देन नेक्स्ट, ए इज नॉट लिविंग बिलो द वन इज प्रिपेयरिंग फॉर सी, जो सीए प्रिपेयर करता है उसके नीचे ए नहीं रहता है, नीचे नहीं रहता है मतलब ऊपर रहता है, तो मुझे सीए के ऊपर ए लिखना है, सीए के ऊपर मुझे ए लिखना है। अगेन माय नेक्स्ट कंडीशन इज फुलफिल, मैंने लिख दिया यहां पे। नेक्स्ट कंडीशन हमारी कहती है डी लिव जस्ट अबाउट, जस्ट अब जस्ट का मतलब इमीडिएटली लेना है, तो जब भी ये वर्ड रहेगा जस्ट हमें इमीडिएटली लेना है, और डी लिव इमीडिएटली अबाउट द वन इज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, और इमीडिएटली है तो एक सर्कल यहाँ पे मैं लेना है, ये सर्कल में बताएगा कि इमीडिएटली है, पास पास रहना चाहिए, मेरी कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो। देन माय नेक्स्ट कंडीशन सेज दैट देयर इज ओनली वन फ्लोर गैप बिटवीन ई एंड वन इज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, ई और सीडीएस के बीच में एक फ्लोर है, मतलब ई है एक फ्लोर है और ये सीडीएस है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सीडीएस ऊपर जाए वन फ्लोर एंड देन ई आए, तो दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल है, तो ये मेरी नेक्स्ट कंडीशन होगी। ओके देन देयर आर टू फ्लोर बिटवीन द वन इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड वन इज प्रिपेयरिंग फॉर आईबीपीएस, यूपीएससी दो फ्लोर आईबीपीएस, इसको ऐसा भी मैं लिख सकता हूं कि आईबीपीएस ऊपर जाएगा दो फ्लोर एंड यूपीएससी है। नेक्स्ट कंडीशन, ओके अगली कंडीशन देखता हूं, द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सीए इज बिटवीन डी एंड एच, जो सी प्रिपेयर करता है वो डी और एच के बीच में रहता है, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि एच ऊपर जाए और डी नीचे जाए, बिटवीन। ओके नेक्स्ट कंडीशन में देखता हूं, the one who is preparing for SSC is between F and the one who is preparing for SBI, जो SSC पढ़ता है ये होगा SSC, वो F और SBI के बीच, F और SBI, लेकिन SBI ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी F आ सकता है, ये हुआ SSC condition। next condition है the one is preparing for UPSC two, there is two floors below H, two floor below H, तो लोग सोचते हैं इट इज टू फ्लोर बिलो एच, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एच एच के दो फ्लोर नीचे यूपीएससी, बेसिकली सुनते हो कैसे लगता है टू फ्लोर बिलो मतलब बीच में दो फ्लोर, बट ये मैं आपको बताना चाहूंगा अगर बीच में दो फ्लोर अगर आ गए मतलब वो तीन फ्लोर नीचे चला गया, ये जो कंडीशन है ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, याद रखिएगा ये हो गया टू फ्लोर बिलो, टू फ्लोर बिलो मतलब अगर फोर्थ पे है
तो एक फ्लोर नीचे जाएगा तो थर्ड आएगा, और एक नीचे जाएगा तो सेकंड, मतलब फोर्थ का सेकंड फ्लोर पे जाएगा। दो फ्लोर जब नीचे जाएगा मतलब बीच में से पहली फ्लोर होना चाहिए, दैट इज फ्लोर नंबर 3। तो ये तरीके से हमें कंडीशन जो है लिखना है। ये मेरी लास्ट कंडीशन हो गई। अब आप देख पा रहे होंगे कि अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये मैं डेफिनेटली कंडीशन लिखने के बाद स्टार्ट कर सकता हूं। तो कैसे करना है, तो देखिए ये मेन बिल्डिंग है, यहां पे मेरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। कैसे होगा, यहां पे सिर्फ चीज और जी पूरे इसमें कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, पूरे इसमें जी मेरा कहीं पे भी नहीं आया। ऐसे वक्त मैं ये बहुत सोच में गिर जाऊंगा कि मैं किस कंडीशन को लेते जाऊं, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। कोई भी कंडीशन अगर मैं लेते जाता हूं, अगर मैं मान लीजिए अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन पे अगर रिलाय करता हूँ, 5-star कंडीशन जो कि मेरी या तो ये होगी या तो ये, तो दोनों में अगर कोई भी अगर लेके जाता हूँ, तो देर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज कि मैं इनको कैसे रखूं। इन दैट केस क्या होगा, एक बिल्डिंग नहीं, 4 बिल्डिंग 5 बिल्डिंग कैसे बनेगी। ऐसे कभी नहीं करना है, याद में रखना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है। मतलब अगर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, आई अंडरस्टैंड माय पॉइंट, मैं ये नहीं कहा सॉल्व नहीं हो रहा है, मैंने ये कहा अगर आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को, तो आपने समझना है कि ये जो आपने बिल्डिंग बनाई है, ये फ्रेम जो आपने बनाई है, ये फ्रेम का आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप ऐसे वक्त इस जगह पे सॉल्व नहीं कर पा रहे। वैसे वक्त आपको सिंपली वो बिल्डिंग छोड़ देना है, वो बिल्डिंग हमारे कोई काम की नहीं है, क्योंकि उसमें कोई रेफरेंस नहीं है। जी जरूर दिया है, लेकिन जी का कोई फायदा हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जी की कोई कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। इन दैट केस क्या करें, That case, एक ओपन स्पेस ले और वापस सॉल्व करें विदाउट ड्रॉइंग द बिल्डिंग। मतलब हमें फ्रेमलेस काम करना है। This is a frame. ये एक फ्रेम है जिसमें मुझे 8 ब्लॉक दिए फ्लोर, तो ये मेरी बाउंड्रीज है, मुझे इससे बाहर निकलना पड़ेगा, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, ओपन कर यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं डेफिनेटली क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूंगा फ्रेमलेस तरीके से, तो ये मैं आपको बता दूँ। नाउ अगर फ्रेमलेस तरीके से सॉल्व करना है, तो विच कंडीशन इज टू बी पिक्ड अप, कौन सी कंडीशन को पहले लेना है, सुनिएगा, इसके लिए बहुत सिंपल सा जवाब है। अगर आप देखेंगे ये हमने कंडीशन लिखी, लोग कंडीशन लिखते ही इसके दरअसल वो प्रॉब्लम में जाते हैं, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि अगर मैं पहली कंडीशन अगर स्टार्ट करता हूँ, दो पॉसिबिलिटी बनेगी, इससे स्टार्ट करता हूँ, दो पॉसिबिलिटी, ये इनडेफिनेट नहीं है, ये डेफिनेट है, ये मेरे लिए काम की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि ये डेफिनेट है, तो मैं यहां से कोशिश कर सकता हूं। लेकिन डी और सी डी एस के और भी मुझे कनेक्शन ढूंढने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन ये डेफिनेट कंडीशन नहीं, ये डेफिनेट नहीं है, ये डेफिनेट नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है, स्टार्टिंग में ही मैं पॉसिबिलिटी क्यों बनाऊं, फिर मुझे ये कंडीशन मिलती है, यस दिस इज डेफिनेट। अब मेरी चॉइस आ गई कि मेरे पास ये डेफिनेट कंडीशन है, क्योंकि सिंगल पॉसिबिलिटी है, ये डेफिनेट है, सिंगल पॉसिबिलिटी, तो मैं इन दोनों में से कहीं भी स्टार्ट कर सकता हूं। आई कैन स्टार्ट इट एनीवेयर फ्रॉम दीस टू कंडीशंस। कैसे सिलेक्ट किया मैंने, आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये फाइनल कंफर्मेशन नहीं होगा कि मैं यहां से करूं या यहां से करूं। इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि SH और UPSC ज्यादा बार रिपीट हो रहा है या D और CDS ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो अब कंडीशन के ऊपर एक ओवरऑल ध्यान दीजिए, यू विल गेट टू नो कि H और UPSC ज्यादा बार रिपीट हो रहा है दैन DNC। लेकिन जब आप कंडीशन लिखेंगे, याद में रखना है आपको ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है मैं आपको बता दूं, अगर आप अगर यही अगर तरीका अगर H1 UPSC अगर आप ऐसे अगर स्टार्ट हो गए, तो समझ लीजिए कि आपने गलत शुरुआत कर दी, क्योंकि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये सब नहीं चलेगा। क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो हमें एक चीज रखनी पड़ेगी मेंटेन, वो ये रखनी पड़ेगी, देखिए एच है, एच लिखिए, एक लाइन दीजिए इधर और यहां पर यूपीसी। क्या किया हमने, कुछ भी अलग नहीं किया है, वही काम किया है, लेकिन मैंने काम थोड़ा सिस्टमेटिक किया है। लेफ्ट साइड में मैंने पर्सन का नाम लिखा, राइट साइड में मैंने एग्जाम का नाम लिखा, तो दिस इज द डेफिनेट। अब मेरे पास एच आ गए, तो अभी एच से मैं स्टार्ट करूं या यूपीएससी से मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि यूपीएससी कंडीशन, अब ये कंडीशन मैंने यूटिलाइज कर ली, तो इसको मैं कट कर देता हूं। अभी मैं देख रहा हूँ यूपीएससी यहाँ पे है, लेकिन यूपीएससी ऊपर भी जा सकता है IBPS, यूपीएससी नीचे भी IBPS जा सकता है। तो ऐसे वक्त हम दो पॉसिबिलिटी हो जाती है, लेकिन रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, दो पॉसिबिलिटी में सॉल्व मत कीजिए, जब एक पॉसिबिलिटी में हो सकता है तो क्यों ना करें। इसको फिलहाल आप मत लगाइए, एच को देखिए, एच और कहीं पे है, एच कहीं पे है, यस एच टू SSC,
एच दो एस एस सी ऊपर, एच दो एस एस सी नीचे, ये भी फिर से वही पॉसिबिलिटी बना ली, राइट। तो ये भी वही काम कर रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, ये बहुत खास चीज बना, बहुत ही खास। कैसे बना? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एच सी और डी, और आप इस कंडीशन को देखिए, डी की इमीडिएट नीचे सी डी एस है, तो ये जो है ये आप यहाँ से कट कीजिए और ये कंडीशन को यहाँ पे जोड़ दीजिए कि डी के नीचे सी डी एस। अब डी के नीचे सी डी एस यहाँ पे तो ज्वाइन हो जाएगा तुरंत, लेकिन यहाँ पे डी के नीचे सी डी एस ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डी के नीचे सी एस, ये जो कंडीशन है फॉल्स हो गई, ये चार का ग्रुप बन गया। डायरेक्ट सिंगल पॉसिबिलिटी के डायरेक्ट रख दीजिए एच, फिर उसके बाद नीचे सी आएगा, सी के नीचे डी आएगा और डी के नीचे आएगा सी डी एस। देखिए तो इस तरीके से मैं इसको भी कट कर देता हूं, क्योंकि मैंने इस कंडीशन को भी यूटिलाइज कर लिया। देन थिंक एच और सी डी एस में से एच मेरे काम का है, एच दो एस एस सी, एच दो फ्लोर और एस एस सी, यहां पर एस एस सी नहीं आ रहा है तो एच ये दो फ्लोर ले लेता हूं और यहां पे मैं एस एस सी लिख देता हूं। अब एक बार काउंट करूंगा कितने फ्लोर हो गए मेरे, एक दो तीन चार पांच छह सात, बस एक फ्लोर और जोड़ लू या तो नीचे या तो ऊपर, देखूंगा मैं क्या कर सकता हूं। एस एस सी मेरे पास आ गया, इस कंडीशन को मैं फिलहाल कट कर देता हूं, ये मैंने यूटिलाइज कर लिए, लेकिन मेरे पास एस एस सी के ऊपर या तो एफ या तो एस बी आई कोई तो भी एग्जेंट है, तो मैं एक लाइन बस ड्रॉ कर देता हूं। Now count this, so you will get to know चारों चार आठ लोग हो गए, मतलब अभी ये complete frame बन चुकी है। Now this is complete frame. Okay, अब ये जो complete frame है इसमें seven floor पे G है, तो ये मैं G seven floor पे लिख दूंगा, ये आ गया। तो ये भी जो condition है मैं utilize कर ली है। Then अब ये कंडीशन मैं परफेक्ट नहीं रख पा रहा हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा वेट करने लगा देता हूं, ये कंडीशन हो गई। अब इवन सीडीएस ये डेफिनेट कंडीशन है, सीडीएस वाली नीचे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आठ लोग ऑलरेडी हो चुके, तो इवन सीडीएस यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ही आ जाएगा, ये कंडीशन मैं फॉल्स कर देता हूँ, यूटिलाइज कर लिया मैंने। अब यूपीएससी दो आईबीपीएस, यूपीएससी नीचे तो जा नहीं सकता आईबीपीएस, तो यूपीएससी ये दो और ये आईबीपीएस हो गया, ये भी कंडीशन कट हो गई। अब मेरे पास बचा क्या है, अगर आप देखेंगे तो मेरे पास बचा है ये एक बचा है और एक ये बचा है, ठीक है, पर ये भी कंडीशन बची। अब मैं देखता हूं तो ये फिलहाल मेरी वहां पे आई डोंट नो ये कैसी यूटिलाइज होगी, क्योंकि कहीं तो भी रह सकता है, ये कंडीशन में डेफिनेटली आरबीआई और बी के बीच में तीन फ्लोर है, आरबीआई बी के बीच में तीन फ्लोर है। अगर मैं यहाँ पे बी लेता हूँ, यहां से नीचे स्टार्ट करता हूँ, बी तीन फ्लोर, आरबीआई नॉट पॉसिबल, ये भी नहीं हो सकता है, यहां स्टार्ट करता हूं तो बी तीन फ्लोर ऊपर जा नहीं सकता, बी तीन फ्लोर नीचे यहां पे भी नहीं आ रहा, बी अगर मैं यहां लेता हूं तो बी तीन फ्लोर आरबीआई यहां पे भी नहीं आ रहा, तो मेरे पास एक ही कंडीशन बचती है बी की, वो ये है, तो बी ये तीन फ्लोर हो गए और ये हो जाएगा आरबीआई। और जैसे ही मैंने कंडीशन यूटिलाइज कर दिया, मैंने यहां से कट कर दिया, अब मेरे पास एक कंडीशन, अब एसएससी के ऊपर, एसएससी के ऊपर बी है, एसएससी के ऊपर एफ नहीं रह सकता, तो डेफिनेटली एसएससी के नीचे एफ रहेगा, अगर ये एफ हो गया तो ऊपर एसबीआई लिखूंगा मैं, एसबीआई हो गया। अब ये भी कंडीशन मैंने यूटिलाइज कर ली, अब सीए के ऊपर ए है उसे उनका कहना है, तो सीए के नीचे नहीं, सीए के ऊपर ही मैं कहीं तो भी ए लिख दूंगा, कहीं तो भी ए लिख दूंगा। और ये तरीके से लास्ट पर्सन जो है मेरा सी यहां पे आ जाएगा, और लास्ट एग्जाम जो कि मेरे पास वहां पे लिखा हुआ है एससीआर वो यहां पे आ जाएगा, एससीआर करेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या सीखा आपने, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमें समझ गया, बहुत बेहतरीन है, सॉल्यूशन भी मिल गया, एवरीथिंग इज राइट, लेकिन क्या सीखा, अगर हम इसको समराइज अगर नहीं किए तो हम एक गलत रास्ते पे चले गए। क्या सीखा हमने, यहाँ पे हमने ये सीखा कि मैंने क्वेश्चन को देखा, फ्रेम भी बनाई, कंडीशन को भी लिखा, लेकिन मेरी कंडीशन अंदर जाने को तैयार नहीं थी, कोई बात नहीं, मैंने बिल्डिंग ही बदल दी, मैंने बेस बदल दिया, मैंने बाहर सॉल्व करके बताया। अच्छा, यहाँ पे लोग ये क्वेश्चन सॉल्व तो करते थे, लेकिन लोग मुझे, जैसे स्टूडेंट मुझे बताते हैं क्लास में कि तीन चार पॉसिबिलिटी लगी सर सॉल्व करने में, बिल्कुल तीन चार पॉसिबिलिटी लगेगी, क्योंकि आपकी शुरुआत जो है शायद आप यहाँ से करोगे या यहाँ से करोगे, ऐसे वक्त क्या करना है, ऐसी जगह से शुरुआत करना जो ज्यादा रिपीट हो रहा है, या ऐसी जगह से शुरुआत करना है जो जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, सिंगल पॉसिबिलिटी। इस तरीके से अगर आपका अप्रोच रहेगा तो आप क्वेश्चन जो है बहुत ही कम देखिए, इतनी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। आप एक और चीज मार्क करेंगे बोर्ड पे, कहीं पे भी कुछ भी हॉच पॉच नहीं, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन, प्लानिंग के हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व जब होना चाहिए तो एक प्लानिंग होनी चाहिए, अगर प्लानिंग नहीं है तो आप
उस क्वेश्चन को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। क्वेश्चन को याद से देखिए, कंडीशन को बहुत सिलेक्टिव तरीके से लिखिए, बिल्कुल हचपच नहीं होना चाहिए, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लिखने का एक तरीका होता है, तरीका देखिए, अगर कंडीशन क्लियरली दिखाई देंगी तो यह क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। याद तो रखिएगा। तो अभी हम लोग देखने वाले एक ऐसा क्वेश्चन जो हमारे मेंस लेवल का है, और हमारे मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वहां पर आने वाले क्वेश्चन हमारा सबसे पहले तो वक्त बहुत खाते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक प्रॉपर अप्रोच रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं ये अप्रोच कैसे होना चाहिए अगले क्वेश्चन से। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसा हमें बताया गया है कि 9 लोग हैं, उनकी 9 एजेस है, वो 9 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं और वो 9 अलग अलग गेम खेलने वाले हैं। मतलब काफी सारे पैरामीटर यहाँ पे हमारे पास उनके साथ मिल चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होने वाला है, और ना ही आपको एक चीज करना है कि क्वेश्चन बार 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 पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ेंगे, और एक बार पढ़ के अगर आप उसको सॉल्व कर पाए तो ही वो सही तरीका होगा। एक बार पढ़ना है, सारी कंडीशन लिखना है, देन हमें बस वो कंडीशन अरेंज करना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये जो लोग हैं ये 9 लोग हैं, 9 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं बिल्डिंग के, और उसके बारे उनके एजेस और उनके अलग अलग ईयर्स जो दिए हैं, तो वो अलग अलग साल में पैदा होते हैं। अब ये अलग अलग साल सबसे पहले क्या करना है, जब भी नंबर आएगा तो आपको नंबर को अलग रखना है, फ्लोर की अरेंजमेंट अलग। क्यों? क्योंकि नंबर की अरेंजमेंट जो होती है वो ऑर्डर एंड सीक्वेंस की अरेंजमेंट होती है, और फ्लोर की अरेंजमेंट एक बिल्डिंग की अरेंजमेंट होती है। तो ये कंडीशन अलग होनी चाहिए, ये कंडीशन अलग। तो वो कब जब जब पैदा हुए हैं वो जो साल है मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन याद रखना या तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है या तो डिसेंडिंग, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। अब 2020 में उनकी जो एजेस है उसके बारे में बात चल रही है, 2020। अब 2020 में अगर बात चल रही है तो मैं 2020 से ये जो इयर्स है ये माइनस करूंगा तो मुझे उनके रिस्पेक्टिव एजेस मिल जाएंगे 2020 में के। तो सबसे बड़ा इंसान मेरे पास 64 इयर्स का है, और सबसे छोटा इंसान मेरे पास सिर्फ 15 साल का है। अब हम इसको कंडीशन में रखने की कोशिश करते हैं कि कैसे रखेंगे। यहाँ पे हमें दिया हुआ है द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ सी एन डी, मतलब सीओडी की जो एजेस का रेशो, मैं इधर लिखूंगा यहाँ पे COD के ages का जो ratio है that is equal to the difference of the ages of ENF, E और F के ages का difference है, E minus F, ये हो गया condition लिखने का तरीका। लेकिन याद रखिएगा इस condition को हम ऐसे लिख सकते हैं, ratio of ages of COD, तो ये भी तो COD का ratio ही हुआ, DOC का ratio, COD का ratio, that is equal to difference of ENF, तो ये F minus E भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि कोई तो भी दो लोगों का एज का रेशो हमें सबसे पहले निकालना है। अगर हमें रेशो निकालना है तो हम सबसे पहले एजेस की तरफ देखेंगे। सबसे छोटा एज लीजिए, तरीका क्या है, सबसे छोटा एज लीजिए, सबसे बड़ा एज लीजिए, कीजिए डिवाइड 64/15, दैट कम्स आउट टू बी 4. समथिंग, मतलब 4 से बड़ा तो रेशो नहीं मिलने वाला। 4 का मिलता है क्या, वो भी नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि 60 तो है ही। मतलब हमें क्या करना है, मतलब हमें ये समझ गया है कि हमारे पास जो रेशो लेना है वो या तो 3 का होना चाहिए या तो बस 2 का होना चाहिए, और ये 3 नहीं तो 2 का रेशो में मैनेज करना पड़ेगा। 3 का रेशो लेने के लिए ट्रिपल ढूंढना पड़ेगा। अब इसका ट्रिपल 45 अवेलेबल नहीं है, 17 का ट्रिपल वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, 21 का ट्रिपल, 16 वो भी अवेलेबल नहीं, ऊपर जाने में तो मतलब है नहीं। अब बचता है 2, डबल होना चाहिए, 15 का डबल 30, यस इट इज अवेलेबल, तो ये मैं लिख देता हूँ 30/15, ये मेरे लिए हो सकता है। और दूसरा अगर मैं आपको अगर बताऊँ 17 का 34 नॉट अवेलेबल, 21 का 42, यस अगेन अवेलेबल, ये मैंने ले लिया, तो 42/21, ये भी 2 का रेशो होता है। और देख लेता हूँ और कोई है क्या, देन 42 का डबल डेफिनेटली नहीं है, 30 का डबल 60 ये भी अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो ये मतलब 2 का रेशो आएगा। अगर 2 का रेशो आएगा तो ई और एफ का डिफरेंस भी 2 का ही आना चाहिए, ई और एफ का डिफरेंस 2 का अगर मिलना है, तो इसके लिए हमें एजेस पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ 2 का डिफरेंस, यस 17 एंड 15, इनमें 2 का डिफरेंस, तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 17-15, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 17-15। अब आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे 15-15 दो बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इधर तो कोई भी पैरामीटर रिपीट नहीं हो रहा, इधर एफ है अलग, इधर डी अलग है, मतलब ये जो है ये गलत हमारा हुआ है, और ये जो है हमने सही डेफिनेटली निकाला है। मतलब ई और एफ 17 और 15 में से कोई तो भी होने चाहिए, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे ये ई हुआ तो ये एफ हो जाएगा, और ये ई हुआ तो ये एफ हो जाएगा, तो ये हमने 17 और 15 लिख दिए। और इसी तरीके से हम लोग डी और सी भी लिखेंगे, तो सी और डी कितने हैं, सी और डी 42 और 21, ये भी लिख देता हूं, तो ये 42 और
2021 के सामने डी ऑब्लिक सी और सी ऑब्लिक डी ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि सी कितना है और डी कितना है, नेक्स्ट कंडीशन पढ़ता हूँ, आगे चलता हूँ, ओनली जी ओल्डर दैन ए, सिर्फ अकेला जी ही बड़ा है ए से, मतलब ए से बाकी लोग छोटे होने चाहिए, ए से बाकी लोग छोटे, सिर्फ अकेला जी बड़ा, ए से देखिए सिर्फ जी बड़ा है, बाकी सब लोग जो है ए से छोटे है। मैंने कंडीशन ऑर्डर सीक्वेंस की थी वही पे लिखी, ओनली वन पर्सन दैट इज ओल्डर दैन मी लिव्स अबाउट मी, ई के ऊपर रहने वाला इंसान एक ही जो है वो ई से बड़ा हो सकता है, मतलब ई के ऊपर सिर्फ एक ही इंसान रहता है जो ई से बड़ा है। आई डोंट नो ये कंडीशन कैसे लिखेंगे, ये कंडीशन मैं यहां पे लिख देता हूं, ई के ऊपर ई से बड़ा मतलब ओल्डर दैन मी, ठीक है। और ऐसा कितना है, ऐसा सिर्फ एक ही इंसान रहेगा, मैंने कंडीशन लिख दी ई के ऊपर एक ही इंसान रहेगा जो ई से बड़ा है, ओके। लेकिन याद रखिएगा एक ही इंसान रहेगा जो ई से बड़ा है, छोटे कितने भी रह सकते हैं, तो ये जो है कंडीशन छुट्टी हुई होती है और हम इस पॉसिबिलिटी को पकड़ते नहीं, इसलिए हम हमेशा गलत होते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन हु प्लेस टेनिस, पर्सन हु प्लेस टेनिस लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फोर, टेनिस खेलने वाला इवन नंबर फ्लोर में रहता है, टेनिस खेलने वाला इवन नंबर फोर लेकिन फोर्थ पे नहीं रहता है, तो मैंने फोर्थ पे टेनिस कट कर दिया, लेकिन इवन नंबर पे भी रह सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो टेनिस खेलता है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, कहीं पे भी फोर्थ पे नहीं रहेगा। The next condition, and plays रमी, मतलब सॉरी H lives on one of the even number floor above C. H lives on one of the even number floor above C. तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दूँ ना, H lives on one of the even number floor. ये one of the जो रहता है ये बहुत खास चीज है। ये खास चीज क्यों है ये बताने के लिए मैं आपके सामने डायरेक्ट सेंटेंस लिख दूंगा, H lives on one of the even number floor above C. ये मैं सेंटेंस जो है आपको बाद में बताऊंगा कि इस सेंटेंस में ऐसा क्या खास होता है जो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख दिए और हम लोग इसको देखेंगे बाद में। देन यहाँ पे लिखा हुआ है एन प्लेज रमी, तो इसका मतलब एच जो है वो रमी खेलता है, एच रमी खेलेगा, ओके। नेक्स्ट कंडीशन, द ओल्डेस्ट इज नॉट लिविंग अबाउट सिक्स फ्लोर, जो ओल्डेस्ट पर्सन है वो सिक्स फ्लोर के ऊपर नहीं रहता है, ओल्डेस्ट सिक्स फ्लोर के ऊपर मतलब ओल्डेस्ट कौन है जी, तो जी सिक्स फ्लोर के ऊपर नहीं रहेगा, मतलब 7 8 9 पे डेफिनेटली जी नहीं रहने वाला है। देन सी प्लेस टेनिस एंड लिव, सी प्लेस टेनिस, सी जो है वो टेनिस खेलता है, लिव अबाउट द वन हु इज बोर्न इन 1965, तो जो 1965 में बोर्न हुआ इसको भी लिख देते हैं, 1965 में जो बोर्न हुआ उसके ऊपर सी रहता है, ठीक है। एंड सी प्लेस टेनिस, सी जो है वो टेनिस खेलता है, तो ये इंसान का नाम मुझे पता चल गया, इसका नाम सी है, ओके। फिर आगे चलता हूं मैं, एज मेनी फ्लोर्स अबाउट डी एज बिलो द वन हु प्लेज हॉकी, जितने डी के ऊपर है, जितने डी के ऊपर है फ्लोर, उतने ही जो हॉकी खेलता है उसके नीचे फ्लोर, आप देखेंगे जितने फ्लोर डी के ऊपर है उतने जो हॉकी खेलता है उसके नीचे है, ओके। देयर आर थ्री फ्लोर बिटवीन ए एंड जी एंड यू नॉट इवन नंबर फ्लोर, ए और जी के बीच में तीन फ्लोर है, तो ए और तीन फ्लोर जी, जी तीन फ्लोर ए, और वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, ओके। ये भी मैंने देख दिया, फिलहाल मैं कोई कंडीशन अंदर रख नहीं पा रहा क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और मुझे नहीं पता कौन सी कंडीशन कहां पे रहेगी, उन्होंने कोई रेफरेंस भी हमें अभी तक दिया हुआ नहीं है। Then E does not, is not the youngest, not plays football. E जो है वो youngest नहीं है, football नहीं खेलता. E जो है वो youngest नहीं है. यहाँ मैं कट कर देता हूँ, ये E नहीं है, तो ये F है और ये वाला E होगा. तो ये football भी नहीं खेलता, ऐसा उनका कहना है. तो ये मैंने लिख दिया, E जो है वो youngest नहीं है और E जो है वो football भी नहीं खेलता. ये football नहीं खेलता. Okay. Then the sum of एज ऑफ वन प्लेज हॉकी एंड
फुटबॉल इज इक्वल टू एच, मतलब जो हॉकी और फुटबॉल खेलता है उनके एजेस की एडिशन एच के बराबर है, तो एच इज इक्वल टू फुटबॉल प्लस हॉकी। जो फुटबॉल खेलता है, जो हॉकी खेलता है, उन दोनों की एज की एडिशन एच होनी चाहिए। अब ये मैंने यहाँ पे तो लिख दिया, लेकिन दरअसल ये कंडीशन की जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। तो ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे जानी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये कोई फ्लोर की एडिशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो आपको ये लगेगा कि ये फ्लोर की एडिशन है, लेकिन दरअसल में ये एजेस की एडिशन है। इसलिए ये जो चीज है ये हम यहाँ से नहीं लिखते हुए डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ। एच इज इक्वल टू द वन हु प्ले फुटबॉल एंड द वन हु प्ले हॉकी। अब यहाँ पे मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा कि फुटबॉल कौन खेलता है और हॉकी कौन खेलता है। तो देखते हैं फुटबॉल और हॉकी जो है उनके जिसके एडिशन है। अब यहाँ पे मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि ऐसा कोई तो भी लोग होने चाहिए जिनके एजेस की एडिशन एच के बराबर होनी चाहिए, मतलब जो है बड़ा। अब 15 और 17 अगर मैं लेके जाता हूँ तो दैट कम्स आउट टू बी 32, यहाँ पे नहीं है। देन 15, 21 भी अगर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे एडिशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। देन 20 और अगर मैं 17 भी अगर लेता हूँ तो नहीं है। 30, 17 इट कम्स आउट टू बी 47, यस 47 है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 13 और 17 ये है मेरे पास, तो ये डेफिनेटली हो सकते हैं। ये तो फुटबॉल नहीं खेलता है, मतलब ये हॉकी खेल सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है इंसान 30 फुटबॉल जो है 30 होना चाहिए और हॉकी जो है वो 17। अब हॉकी तो 17 डेफिनेटली हो सकता है। ओके, तो ये 17 + 30 दैट कम्स आउट टू बी 47 व्हिच इज द एज ऑफ एच। तो मैं एच के सामने यहाँ पे ये लिख दूंगा। ओके, देन आगे वन फ्लोर इज बिटवीन द वन हु प्लेज हॉकी एंड फुटबॉल। हॉकी और फुटबॉल के बीच में एक फ्लोर है, तो ये हॉकी हो गया और एक फ्लोर, और ये फुटबॉल, और ये रिवर्स भी हो सकता है कि फुटबॉल ऊपर वन फ्लोर एंड हॉकी। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है हमारे पास फाइव फ्लोर्स आर बिटवीन डी एंड द वन हु प्लेज कैरम। तो पांच फ्लोर है जो डी और कैरम, डी कैरम के बीच में पांच फ्लोर, ठीक है। कैरम भी ऊपर हो सकता है, डी भी ऊपर हो सकता है। ये लिखने का तरीका है कि इनके बीच में पांच फ्लोर है। द वन हु प्लेज पोलो इज इमीडिएटली अबाउट द वन हु प्लेज लॉन टेनिस। जो पोलो खेलता है दैट इज इमीडिएटली अबाउट द वन हु प्लेज लॉन टेनिस। ये भी कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। The A does not play volleyball. A जो है वो volleyball नहीं खेलेगा। ये भी condition मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। A volleyball नहीं खेलेगा। Okay. Then I is younger than B. I is younger than B. तो ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेकिन नहीं लिखूँगा क्योंकि floor नहीं है, ये order sequence है। तो I is younger than B. तो ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा। I is younger than B. Okay. अब यहाँ पे दो लोग comparison हैं, I और B के। मेरे पास दोनों के दोनों available नहीं है, लेकिन मेरे पास दो ही लोग यहाँ पे बचे हुए, तो डेफिनेटली यही मुझे करना पड़ेगा। एक को आई बनाना पड़ेगा और एक को बी बनाना पड़ेगा। तो आई जो है वो छोटा है, तो ये आई हो जाएगा और डेफिनेटली ये बी हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अभी मेरे पास ई एफ भी डिसाइड हो गए, सारे लोग डिसाइड हो गए, बस सी और डी ये दोनों डिसाइड होना बाकी है। आगे चलता हूं मैं। सी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड लाइक टेनिस। सी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है और उसको टेनिस पसंद नहीं है, द कंडीशन ये ऑलरेडी है। And G does not play cricket. G जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता है, G क्रिकेट नहीं खेलेगा। ये भी मैं लिख देता हूँ, G क्रिकेट नहीं खेलेगा। And D is born after 1995. D जो है 1995 के बाद पैदा हुआ। अब D 1990 ये अगर D लेता हूँ तो पहले पहले पैदा हुआ है, तो ये D होना चाहिए क्योंकि 1995 के बाद में पैदा हुआ है। तो ये जो है D हो जाएगा और ये जो है ये फिर यहाँ पे C हो जाएगा। This is C. This is our D. सारे लोग हमारे फिक्स हो चुके हैं, अभी बचा अगर कुछ है तो यही बाकी है। और अभी मैं इस क्वेश्चन को सेट सॉल्व करना यहाँ पे देखता हूँ, लास्ट लाइन में मेरी खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास जिम्मेदारी है कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ पे फ्लोर में बैठा है। कैसे बैठाएंगे हम? देखिए सबसे पहले अंदर देखना है, अंदर आपको जी दिखाएंगे, ये तीन जी नहीं, मतलब ए और जी की कंडीशन लेनी चाहिए जो कि फाइसल कंडीशन है। लेकिन अगर ये मैं आपको यहाँ पे अगर रखता हूँ तो आई डोंट नो एनी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ऊपर जी है तो नीचे कोई भी जी हो सकता है, तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो फिलहाल इस कंडीशन को छोड़ देते हैं। टेनिस बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन, शायद ये कंडीशन हमें हेल्प करता है कि सी ये टेनिस यहाँ पे नहीं है। अब सी जो है वो टेनिस खेलता है, टेनिस यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, राइट।
लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें ये सोचना है, अगर मैं ये ए लेता हूं, आप थोड़ा सोचिए, अगर मैं ये ए लेता हूं तो ये तीन फ्लोर हो जाएंगे और ये हो जाएगा जी, ओके। और अगर ये अगर जी हुआ तो ये ए होगा, मतलब ये तो बात मेरी तय है कि ये जो है जी और ए डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन इन दैट केस जो टेनिस है वो मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि फोर्थ फ्लोर पे तो आ नहीं सकता, तो मेरा जो है सी चला जाएगा ऊपर, ओके। एंड इन्होंने एक चीज बोली है, एक्चुअली यू डोंट वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर अबाउ सी, सी के ऊपर भी इवन नंबर फ्लोर मुझे चाहिए, तो ये जो है ये सी मेरा डेफिनेटली नहीं हो पा रहा है, और सी तो टेनिस के अंदर है, मतलब यहाँ पे भी सी नहीं आ पाएगा, और क्योंकि इसको टेनिस के लिए मना किया गया है, इसका मतलब ये मैंने जो केवल जी लिए थे ये मेरी स्टार्टिंग है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं सेकंड फ्लोर जो है वो मना कर देता हूँ मैं, और डायरेक्ट मैं फोर्थ फ्लोर पे तक चला जाता हूँ। मैं ट्राई कर रहा था सेकंड फ्लोर, नहीं जम पाया, अब ए और जी को मैं यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ तो यहाँ पे तीन फ्लोर, यहाँ पे जी जाएगा, लेकिन आपको फिर से समझ नहीं, यहाँ पे तो जी जा नहीं सकता, मतलब यहीं पे ए आना चाहिए और ये तीन फ्लोर और यहाँ पे जी आना चाहिए, तो यहाँ पे इधर और नहीं होगा, ए और जी मिल गए। अब सी कहाँ पे होना चाहिए, सी यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला कि सी के ऊपर एच इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, कि ये तो एच नहीं हो पाएगा, राइट, मतलब मुझे यहाँ पे सी लेना पड़ेगा और ये जो है ये एच मेरा इवन नंबर फ्लोर पे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं इससे वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर का, अब ये तो मैं बहुत सारी कोशिशें करके यहाँ पे आपको बताया, लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट भी समझ सकता, मैं तो डायरेक्ट समझ गया था कि जो सी है वो नीचे रहेगा। तो आप सोचेंगे आपको कैसे पता, सर सर यहाँ पे देखिए वन ऑफ द इवन नंबर फ्लोर का मतलब होता है कि कोई तो भी, बहुत सारे जो इवन नंबर फ्लोर है उसमें से कोई तो भी एक, इसका मतलब सी के ऊपर बहुत सारे इवन नंबर फ्लोर तो होने चाहिए ना, तभी तो सी के कोई तो भी एक इवन नंबर फ्लोर पे फिर एच रहेगा, मतलब सी के ऊपर कोई एक सिंगल इवन नंबर फ्लोर नहीं, बहुत सारे चाहिए, बहुत सारे मतलब इसका मतलब ये होता है कि सी डेफिनेटली कहीं तो भी नीचे आने वाला है। तो ये जो चीज है ये सेंटेंस से हमें समझ, तो अगर हमारी अगर बातों के ऊपर लैंग्वेज की अगर प्रॉपर अगर कमांड है तो हमें बहुत सारी चीजें जो है वो डायरेक्टली पजल जो है पहले ही बता देता है, सी जो है कहीं तो भी नीचे लेना है, ये तो मैंने आपको करके बताया, लेकिन ये डायरेक्टली हम समझ सकते थे, हम कर सकते थे कि वो होना चाहिए, ओके। वैसे पजल सॉल्व करने को इतना भी वक्त नहीं लगता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कैसे सोचना है आपको, क्या सोच आपको रखनी है। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, अब ए और जी ये तो हो गए हमारी कंडीशन, यूटिलाइज हो गई हमारी, ओके। अब ये भी जो है डेफिनेटली यूटिलाइज हो गया, एच रमी खेलता ये मैंने अभी तक लिखा नहीं, एच रमी खेलता, ये मैं रमी यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। एच रमी खेलता है, आई हैव यूटिलाइज्ड द कंडीशन, सी टेनिस खेलता है, यस ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी टेनिस खेलेगा, ये भी कंडीशन में यूटिलाइज होगी। तो इस तरीके से मैं जो जो कंडीशन यूटिलाइज करते गया उसको कमेंट कट करते हैं, ओके। अब ई के ऊपर एक ही पर्सन रहता है जो ई से बड़ा है, अब ई कौन है, ई ई तो ये है मेरा, तो ई से बड़ा एक ही पर्सन मुझे लेना है, ओके। वैसे तो फिर वो तरीके से ई मेरा यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ए है, तो डेफिनेटली मेरा ई यहाँ पे आएगा। आप सोचेंगे क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ई लेता हूँ तो ई के ऊपर एक ही ओल्डर पर्सन हो जाएगा, लेकिन आप सोचेंगे वो तो ए है जो वो ई से बड़ा है, अगर मैं यहाँ पे ई लेता हूँ तो ई से बड़ा एक ही पर्सन है जो मैंने ई के ऊपर लिया है जिसका नाम ए है, लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैंने इनमें से अगर कोई रख दिया तो दो लोग हो जाएंगे ई से बड़े, इसलिए मुझे अब ई के ऊपर ऐसा इंसान लेना पड़ेगा जो इसे छोटा है, वो एक ही इंसान है हमारे पास जिसका नाम है, यहाँ से पता चलता है कि आप यहाँ पे, ओके। अब ये जो मैंने सब लिखा है ये एजेस के लिए मैंने लिखा, तो क्या है एफ की एज, एफ की एज 15 साल है, एक की एज क्या है, एक की एज 59 ईयर्स है, ई की क्या उम्र है, ई की उम्र है 17 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ एच, इट इज 47 ईयर्स, जी की उम्र, जी की उम्र आप देखेंगे तो 64 इयर्स, सी की उम्र कितनी है, सी की उम्र 42 इयर्स, आप देखेंगे हमारे पास बस यहाँ पे तीन कॉलम खाली, और यहाँ पे स्पोर्ट्स में हमारे पास बहुत कुछ खाली है, ओके। डी और कैरम के बीच में पांच लोग रहते हैं, डी और कैरम के बीच में पांच, अगर मैं यहाँ पे अगर डी ले लेता हूँ तो भी मुझे कैरम देखने में मिल जाएगा, यहाँ पे डी लेता हूँ तब भी कैरम मिल जाएगा, यहाँ पे डी लेता हूँ तब भी कैरम मिल जाएगा, मतलब
ये कंडीशन फिलहाल मेरे काम की नहीं है। हॉकी फुटबॉल के बीच में एक फ्लोर है, हाँ ये मैं थोड़ा सा सोच सकता हूँ हॉकी और फुटबॉल के बीच में एक है, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे भी नहीं समझ रहे हॉकी और फुटबॉल के बीच में इसको फिलहाल लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको उधर देखते हैं तो हमारे शायद थोड़ा सा कंडीशन इजी हो जाएगी। 17 साल वाला हॉकी है, 17 साल वाला हॉकी का 17 मतलब ये है 17, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हॉकी, ओके। और 30 वाला जो है वो फुटबॉल, तो ये जो है फुटबॉल 30, यहाँ पे मैं फुटबॉल के सामने 30 यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके ये मैंने कर दिया। अब हॉकी और फुटबॉल के बीच में एक फ्लोर है, अगर ये हॉकी करता हूँ तो ये फुटबॉल ये 30 नहीं हो सकता, लेकिन अगर ये मैं अगर फुटबॉल कर देता हूँ तो डेफिनेटली फुटबॉल हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और ये अगर 30 हो जाएगा तो मुझे उसका नाम पता है जिसका नाम आय है, ओके। अब अगर मैं यहां पर अगर डी लेता हूं तो डी ये 1 2 3 4 5 यहां पर मेरा कैरस आने नहीं वाला, मतलब मुझे डी यहां पे लेना पड़ेगा। डी ये हो गए 2 और 3 5 फ्लोर, 2 और ये 3 5 फ्लोर हो गए, और यहां पे मुझे सबसे ऊपर कैरम लेना पड़ेगा। तो ये कंडीशन में यूटिलाइज कर ली, जितने डी के ऊपर है उतने हॉकी के नीचे है, जितने डी के ऊपर है आप देख सकते हैं 5 है हॉकी के नीचे बराबर, सॉरी डी के ऊपर 6 है और हॉकी के नीचे भी आप 6 कंडीशंस, ये मैंने यूटिलाइज कर ली। हॉकी फुटबॉल एक फ्लोर ये भी यूटिलाइज कर दिया। पोलो एंड लॉन टेनिस इमीडिएट है, ये मुझे ये से दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल, ये हो जाएगा पोलो, ये हो जाएगा लॉन टेनिस, ये भी कंडीशन मैंने यूटिलाइज कर ली है। देखिए सारी कंडीशन यूटिलाइज हो गई। सी के नीचे 1965 मतलब कौन है, बी है, तो सी के नीचे कहीं तो भी बी रहता है, तो सी के नीचे कहीं तो भी बी, ये भी मैं यूटिलाइज कर लिया। बी का 55 ईयर्स ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मेरे पास अभी एक ही उम्र जो है वो बच जाती है, वो मैं यहाँ पे डी को दे दूंगा, दैट इज 21 ईयर्स। और अभी यहाँ पे 2 गेम मेरे बच जाते हैं, तो वहां पे देखिए ए वॉलीबॉल नहीं खेलता है, ये वॉलीबॉल नहीं खेलता है तो इसको वॉलीबॉल मैं दे दूंगा, और जो लास्ट गेम जो मेरा बच जाता है वो मेरा यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने पजल को आपको समझाया करके मुझे इतना टाइम लगा, लेकिन अगर हम अगर पजल को बार बार अगर पढ़ते अगर चले गए तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है पजल को एक बार पढ़ना है, कंडीशन एक ही बार लिखनी है, अलग अलग सेपरेट करके लिखिए, ऑर्डर सीक्वेंस अलग लिखिए, फ्लोर अलग लिखिए, एजेस अलग लिखिए, उम्र अलग लिखिए, साल अलग लिखिए, फ्लोर के बीच में देखिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी कि इतने ज्यादा कंडीशन है। यूटिलाइज पर्सन के लिए अलग से कॉलम बनाया मैंने, एजेस के लिए अलग से कॉलम, उनके गेम्स के लिए अलग से कॉलम, और जो इम्पोर्टेंट नहीं था ठीक है जिसको हमने रॉ मटेरियल करके यूज किया, एजेस जो कि निकला था ईयर्स वो हमने अलग कर, इस तरीके से हमें सेग्रीगेशन करना है। अगर हम प्रॉपर सेग्रीगेट कर पाए तो पजल हमारे माइंड के ऊपर जा नहीं पाएगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ज्यादा सही टेक्निक है, ओके। तो अभी हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस देखे बेसिक से लेवल से लेकर हायर लेवल का, और मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो थोड़ा एक बार अगर आप देखें तो सबसे पहले तो कंडीशन कैसे लिखना है, किसी भी क्वेश्चन में कंडीशन लिखना बहुत जरूरी होता है, तो कंडीशन कैसे लिखना है, ये जो आपका अप्रोच है ये हर बार सेम होना चाहिए, उसका बेसिक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, प्री के क्वेश्चन को कैसे देखना है, मेंस के क्वेश्चन के वक्त कैसे कंडीशन लिखने में दिक्कत जाती है, सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब जो रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चन है जो रिसेंट एग्जाम में आए हैं वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन इस वीडियो को कैसे आपको यूटिलाइज करना है आपको बताना चाहूंगा, इन वीडियो को आपको यूटिलाइज करना है एक स्पेसिफिक वे से, आप एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप दूसरे बार जब वीडियो देखेंगे तो जैसे यहां पे क्वेश्चन आएगा वैसे आप वीडियो को पॉज कीजिए, टेक 3 मिनट, सॉल्व द क्वेश्चन, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ वीडियो देखिए एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरीके से एक टाइम लिमिट रखिए अपने आप की, और उस टाइम लिमिट के अंदर इस क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना है, ऐसा आप पॉज कीजिए हर क्वेश्चन के लिए। अगर मैंने 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं आपको, अगर मैंने आपको 12 क्वेश्चन पढ़ाए तो आपको 12 बार पॉज करना है, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है इमीडिएट वीडियो पॉज कीजिए, देन
उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद एक टाइम लिमिट में सॉल्व करने के बाद फिर आप देखिए आया तो ठीक, नहीं आया तो कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। तो इस तरीके से आपको वीडियो दो बार देखना है, एक बार समझने के लिए कि बदल क्या है, दूसरी बार आपको इस वीडियो को देखना है खुद होके सॉल्व करने के लिए। याद रखिएगा जब तक आप खुद होके स्टेयरिंग नहीं पकड़ेंगे गाड़ी का, आप कभी गाड़ी चलाना नहीं सीखने वाले। इसलिए सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, खुद होके सॉल्व कीजिए तभी आपको समझ में आने वाला है। और सॉल्व करते वक्त हमेशा याद रखिएगा बेसिक्स से हमेशा स्टार्ट कीजिए, एकदम सिंपलेस्ट बेसिक्स। सेटिस्फेक्शन लगना चाहिए अंदर कि हाँ ये मैंने किया, ये मुझे आ गया। नीचे आपको एक लिंक दी गई है, उस लिंक में पीडीएफ है, उसके सारे क्वेश्चंस आपको ये वीडियो देखने के बाद सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो रिमेंबर दिस। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, थैंक यू।